पत्ता गोभी की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, पर इस तरह से आप बना के देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये सब्जी कैसी बनी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा शर्मा। वर्षा की रसोई में आपका स्वागत है। हमने एक पत्ता गोभी को काट लिया बड़े बड़े पीस में, उसे हम कुकर में डालेंगे और दो आलू को छील लिया है और उसे भी हम बड़े बड़े पीस में काटेंगे, उसे भी हम उसमें डाल देंगे और एक गिलास पानी उसको भी हम उसमें डालेंगे और कुकर को बंद करेंगे। तीन सीटी हम लगा देंगे, उसके बाद में हम उसे बंद कर देंगे। तीन सीटी कुकर की लग गई है, अब हम उसे खोल कर देखेंगे कि आलू और पत्ता गोभी कितने पक गए हैं। तो गैस निकल गई है, अब हमने उसे खोल लिया है। अब देखिए आलू और पत्ता गोभी पक गई है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे 1 बड़े चम्मच, उसमें 1 तेज पत्ता और राई 1 चम्मच हम डालेंगे। राई तड़क गई है, अब हम उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट कर डालेंगे, उसे भी हम पका लेंगे। हमें तब तक ये पकाना है जब तक कि उसका कच्चापन ना रह जाए। अब उसमें हम 1 टमाटर काट के डालेंगे, उसे भी हम पका लेंगे। अब टमाटर में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और उसे भी हम 5 मिनट पकने देंगे। टमाटर हमारे पकने ही वाले हैं, अब हम उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। देखिए हमारे टमाटर पक गए हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारे मसाले पक गए हैं, अब हम उसमें जो सब्जी को बॉईल करके रखा था उसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी को हमने बॉईल करके जो रखा था उसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम सब्जी में वही पानी डालेंगे जब सब्जी को हमने बॉईल किया, जो पानी बच गया उसी को हम थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। हमने पानी को डाल दिया है, सब्जी हमारी पक गई है। अब हम इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। मैगी मसाले को हमने डाल दिया है, उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बस सब्जी को ढाक देंगे। तो देखिए हमारी सब्जी पक गई है। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ बनाकर खा सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।